अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कुछ पिक्चर्स आप लोगों को देख के आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ क्या चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं बाउल मेकिंग। इसका काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप बाउल मेकिंग कैसे बनाती हैं। सो बाउल मेकिंग बनाना थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये है कि हर चीज़ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाते हैं। सो आप लोगों को कोई सा भी अगर आप मोल्ड लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्लावर वाला मोल्ड है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट रेजन आपने पोर करनी है। नेक्स्ट जो डिज़ायर कलर्स हैं वो आप सिर्फ एजेस पे डालेंगे और 6 to 7 आवर्स के लिए उसको छोड़ देंगे अपने मोल्ड को। इवन अपनी जगह से उसको हिलाना भी नहीं है, तो ये सारे कलर्स दरमियान में आ जाएंगे। और 6 to 7 आवर्स के बाद आप उसको हल्का सा डी मोल्ड करेंगे तो आपका जो रेजन है वो फ्लेक्सिबल होगी। फिर आप उसको किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में अपनी शेप देके आप उसको बाउल बना सकते हैं। साइड्स अगर आपको बहुत मुश्किल लग रही हैं कि एजेस जो हैं वो सही प्रॉपर तरीके से बाउल में नहीं आ रहे, तो आप स्कॉच टेप के साथ भी उसको फिक्स कर सकते हैं। बट ये है कि 7 आवर्स इस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अगर आप छोड़ेंगे तो रेजन जो है वो आपकी हार्ड हो जाएगी और आपका बाउल नहीं बनेगा। तो अब जिस तरीके से ये वाली वीडियो है, देखिए मैंने बिल्कुल पहले ट्रांसपेरेंट रेजन जो है वो मोल्ड में मैंने पोर कर दी, उसके बाद बिल्कुल एजेस पे ब्लू कलर जो हमारे पास है उसको हमने एक शेड दिया। एक हम लाइटर कलर देते हैं और एक हम डार्कर शेड देते हैं। और जब 6 to 7 आवर्स को जब मैंने इसको छोड़ दिया तो आप देखिए ये शेड्स कुछ इस तरीके से बन गए। आप किसी भी कलर को बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इंक कलर यूज़ कर रही हूँ, तो इंक कलर जैसे नॉर्मली मेरे पास जो कलर्स थे ये मैंने जो कि मतलब एक ट्राई करना था कि कैसे कलर्स आते हैं इंक वाले, तो इस तरह मैंने पोर कर दिए। अब देखें इसको प्लास्टिक बाउल में मैं इस तरीके से रख रही हूँ और मुझे भी खुद भी मुश्किल हो रही है कि मैं एजेस बाजू का दिए कि सही तरीके से नहीं बनते। तो रफल साइड से बनाने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे खुद ही आप लोग हाथ के साथ इसको एडजस्ट करेंगे और नेक्स्ट 6 to 7 आवर्स के लिए इसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, तो आपका बाउल बहुत प्यारा बन जाएगा। नेक्स्ट अब इस तरीके का मोल्ड है, दोबारा इंक कलर्स मैंने डिफरेंट 6-7 कलर्स मैंने डाले, उसमें एक वाइट पिगमेंट कलर भी डाला, फ्लोटिंग कलर भी डाला। उसके बाद मैंने सिंपल नॉर्मल ट्रांसपेरेंट रेजन बनाई, उसको पोरिंग कर दी और उसके ऊपर बबल स्प्रे कर दिया। हीट गन इसलिए नहीं की क्योंकि दरमियान में कलर बड़ा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। अब 6-7 आवर्स के बाद इसको मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास एक दूसरा तरह का जो है वो कंटेनर था, थोड़ा सा मैं खुला वाला बाउल बनाना चाह रही थी, तो इसमें मैंने इसको देखें इस तरीके से एडजस्ट किया और साइड्स कॉर्नर्स में इसी तरह रफल बनाना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे शेप आए। दरमियान में मैंने इस तरीके का कागज़ रख लिया, बटर पेपर हो, अखबार हो, आप रख सकते हैं, और दरमियान में कोई भी भारी चीज़ रखें ताकि आपका रेजन का बाउल ऊपर की तरफ ना आए, क्योंकि जब वो ऊपर आ जाता है तो वो दरमियान से जो इसकी बाउल की शेप है वो भी ख़राब हो जाती है। अच्छी वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और कोई भी क्वेश्चन वगैरह करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी नई चीज़ बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।